हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्री एमके बूट मेमोरी कार्ड। हाँ दोस्तों, फ्री एमके बूट मेमोरी कार्ड ये आपको मेरे ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा सिर्फ 700 रुपये का। 700 रुपीज़ का ये आपको मेरे ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर नाउ कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो दोस्तों, फ्री एमके बूट का क्या यूज़ होता है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि अगर आपके पास PS2 कंसोल है, तो PS2 कंसोल में एक कॉमन जो प्रॉब्लम है हमेशा हमें देखने को मिलता है। 6 महीने में, साल भर में, 1-1.5-2 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है। कभी भी आ सकता है, 1 महीना 2 महीना। इसका जो सॉल्यूशन है, या तो आप किसी गेमिंग स्टोर में जाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी इसका जो काम करता होगा PS2 कंसोल का, वो आपको ठीक करके दे देगा, या फिर आप मेरे से ये फ्री एमके बूट मेमोरी कार्ड बाय नाउ कर सकते हो। 700 रुपये का ही आपको पड़ेगा। तो कॉमन प्रॉब्लम पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरे PS2 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर आपको अपना PS2 कंसोल दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो HD लोडर का जो सॉफ्टवेयर है वो बूट नहीं हुआ है बूट, और अब ये समस्या मेरे सामने आ गई है। अब इसको सॉल्व कैसा करें, या तो किसी के पास हमें ले जाना पड़ेगा, वो हमसे अच्छा खासा पैसा हमसे ले लेगा, या तो आप फ्री एमके बूट मेमोरी कार्ड मेरे से ले सकते हो। तो देखिए, अब इसका कमाल फ्री एमके बूट है, और फ्री एमके बूट तभी काम करेगा जब आपके PS2 में मैट्रिक्स का जो लोगो है स्टार्टिंग में अगर आता है, तभी ये मेमोरी कार्ड आपका काम करेगा। तो चलिए, इसको हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ये मैंने इंसर्ट कर दिया, और अपना रिमोट मैंने ले लिया, इसको मैं बंद करूँगा यहाँ से, इसको यहाँ से शट डाउन करूँगा, और फिर इसको मैं फिर से ऑन करूँगा। ऑन करते बराबर आपको R1 बटन दबा के रखना है, होल्ड करके रखना है। ये देखिए दोस्तों, फ्री एमके बूट हो गया है। तो कुछ इस प्रकार का लोगो आपके सामने आ जाता है, डैशबोर्ड इस तरह का आ जाता है आपके सामने। तो जैसे देखिए आप, ब्राउज़र है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, UL लॉन्च आपको मिल जाता है इसमें, फ्री HD लोडर आपको इसके साथ मिल जाता है, और IGR फ्री HD लोडर, HD लोडर डंप सर्वर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको ओपन PS2 लोडर भी इसके साथ आपको मिल जाता है। तो आपको सिर्फ काम है HD लोडर का, फ्री HD लोडर का यहाँ पर आपको काम पड़ेगा। इसमें आपको X बटन दबा देना है, और जैसे आप X बटन दबाओगे तो HD लोडर आपका वर्क करेगा, फ्री HD लोडर 3.6.2। तो ये आपका HD लोडर जो सॉफ्टवेयर उड़ गया था, वो आपका रिटर्न MK बूट मेमोरी कार्ड के थ्रू आ जाएगा। अब दोस्तों, ये तो आपको फिर हमेशा मेमोरी कार्ड के थ्रू ही बूट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक अगर आप PS2 कंसोल अगर अभी तक आपने बाय नाउ नहीं किया है, तो आप हमसे भी बाय नाउ कर सकते हो। हमारा जो स्टोर है technicaldevice.in, वहाँ से आपको PS2 कंसोल आपको मिल जाएगा। हमारे पास से बाय नाउ करने का क्या फ़ायदा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रॉब्लम आई है, उसको हमने टेम्परवरी मेमोरी कार्ड, फ्री MK बूट मेमोरी कार्ड के थ्रू सॉल्व कर दिया है। अब हमेशा हमको मेमोरी कार्ड ही लगाना पड़ेगा, ये बैकअप है एक प्रकार का। बाई चांस अगर सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो फिर कहाँ आप भटकते बैठोगे। तो उससे अच्छा एक बैकअप मेमोरी कार्ड आप हमसे 700 रुपये में बाय नाउ कर सकते हो। इसमें हम आपको पूरा MK बूट HD लोडर भी मिलेगा इसके अंदर, और साथ ही साथ आपको OPL लोडर भी मिलेगा। ये एक बैकअप मेमोरी कार्ड, इसमें आप सेव ना करें। इसको आप जब भी आपका बूट हो जाता है, इसको निकाल के आप एक जगह इसको आप रख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके हमेशा काम आएगा। इसमें आप कोई भी
गेम की फाइल सेव ना करें, इसको ओनली बूट करने के लिए आप यूज़ करिए। अब हमारे पास से गेम कंसोल परचेज़ करने का फ़ायदा, हम हार्ड ड्राइव के अंदर ही सॉफ्टवेयर दे देंगे। बाय चांस अगर आपका सॉफ्टवेयर एचडी लोडर सॉफ्टवेयर अगर उड़ जाता है हार्ड ड्राइव के अंदर से, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना मेमोरी कार्ड से बूट करिए, फ्री एमके बूट, उसके बाद आप एचडी लोडर, जैसे ये एचडी लोडर है, फ्री एचडी लोडर को ओपन करिए। और उसके बाद यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 48-bit dev to install patch HDL, इस पर आपको एक्स बटन दबाना है। ये हम आपको हार्ड डिस्क के अंदर ही हम दे देंगे। तो बाय चांस जब भी आपका सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, तो आपको सबसे पहले मेमोरी कार्ड से फ्री एमके बूट करना है। उसके बाद आपका इस तरह का एक एचडी लोडर का एक ऑप्शन आएगा, उसको एचडी लोडर को आपको ओपन करना है मेमोरी कार्ड के थ्रू ही। फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा फ्री एचडी लोडर का। फिर इसके बाद आपको 48-bit dev 2 पर एक्स बटन दबाना है, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आपको सिर्फ बोल रहा है कि प्रेस एक्स इंस्टॉल्ड बूट। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक्स बटन दबा देना है और ये इंस्टॉल कंप्लीट होगा, शट डाउन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको वेट करना है, आपका कंसोल शट डाउन हो गया देखिए, ठीक है। आपको फिर से स्टार्ट करना है। अभी मैंने इसमें मेमोरी कार्ड नहीं लगाया, मेमोरी कार्ड ऊपर ही रखा है, बस इसको यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक है। ये ऑन होने के बाद ये देखिए मैट्रिक्स का लोगो आ गया, और विदाउट मेमोरी कार्ड के हमारा सॉफ्टवेयर, जो खोया हुआ सॉफ्टवेयर था एचडी लोडर का बूट सॉफ्टवेयर, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बूट हो जाएगा। एचडी लोडर यहाँ लिख के आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो खोया हुआ सॉफ्टवेयर था वो ऑटोमेटिक आ गया है विदाउट मेमोरी कार्ड लगाए। तो इस तरह आप अपना जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका उड़ गया है सॉफ्टवेयर, जो खो गया सॉफ्टवेयर है, उसको वापस से आप ला सकते हो। तो इस तरह का है, तो घबराइए नहीं, ये एक बार वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और अभी तक आपने PS2 नहीं लिया है तो आप हमसे PS2 बाय नाउ करेंगे तो हम ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है, चलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। ये देखिए 48-bit dev install, ये आपको मैं डाल के दे दूँगा। इसके अलावा बहुत से सॉफ्टवेयर मैं डाल के दे दूँगा, जैसे कि ये देखिए ULF जो लॉन्चर आता है, ULE लॉन्चर है, बूट DVD लॉन्चर है, ये भी मैं आपको PS2 हार्ड डिस्क के अंदर ही डाल के दे दूँगा। ये देखिए इसको भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे बहुत काम का सॉफ्टवेयर है, जिनको आइडिया है उनको मालूम है बहुत काम का ये सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको मैं डाल के दे दूँगा PS2 हार्ड डिस्क के अंदर ही, अगर आप हमसे बाय नाउ करते हो, या फिर अगर आप हार्ड डिस्क लेके हमारे पास आना चाहते हो तो हम आपको सॉफ्टवेयर डाल के दे देंगे। तो दोस्तों, तो मेमोरी कार्ड का जो प्राइस है 700, और PS2 अगर बाय नाउ करना है हमसे और सॉफ्टवेयर के थ्रू बाय नाउ करना है, तो हम आपसे 7500 रुपये लेंगे, जो कि PS2 हमारे पास 6500 का है। अगर आपको सिंपल एचडी लोडर और उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं डाल के देना है और मेमोरी कार्ड भी आपको नहीं चाहिए, तो आपको PS2 हमारे पास से मिलेगा 6500 का हमारे ऑनलाइन स्टोर में। बस वो आप बाय नाउ करिए, उसके बाद आप PS2 को ऑन करेंगे तो एचडी लोडर का सॉफ्टवेयर उसमें डाला है एक, जो ऑटोमेटिक बूट हो जाता है। लेकिन बाय चांस अगर उड़ गया तो फिर उसको रिकवर आप नहीं कर सकते हो। तो रिकवर करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसमें हम आपको एक मेमोरी कार्ड देंगे, फ्री MK बूट मेमोरी कार्ड देंगे हम आपको, और प्लस हम हार्ड डिस्क के अंदर अगर आप फैट मॉडल लेते हो या फिर अगर आप स्लिम मॉडल लेते हो, तो उसके हार्ड डिस्क के अंदर आपको मैं
जो हार्ड डिस्क एच डी लोडर का जो सॉफ्टवेयर है वो मैं हार्ड ड्राइव के अंदर डाल के दे दूंगा। उसके अलावा यू एल ई लॉन्चर भी मैं आपको हार्ड ड्राइव में डाल के दे दूंगा। तो इसके बाद आपको कहीं भी किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ऑनलाइन स्टोर का लिंक और साथ ही साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप ऑर्डर नाउ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।